राजा, अरे राजन की तो बात ही अलग ही है। हाँ फोटो शूट बैठ गया, बहुत बढ़िया फोटो। नींद अब ना आवे, नींद अब ना आवे, मेरा फेवरेट प्लेस है। का बांध टूट गया, अब बैग बैग ले, शैलेंद्र बैग सो गाइस दोस्तों, अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे नज़ारों को देख करके अभी हम कहाँ आए हुए हैं। हम आए हुए दोस्तों आमेर फोर्ट, ये देखिए दोस्तों नज़ारे, वाओ। अभी थोड़ी देर में आपके लिए ऊपर जाके सब कुछ दिखाएंगे। अमरीशपुरी की आत्माएं हैं, उनके लिए कबूतरों को दाना। ये देखिए दोस्तों आमेर फोर्ट से बाहर जो रोड साइड है उधर से आमेर फोर्ट का जो नज़ारा है कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आप देख सकते हैं। और आमेर फोर्ट के पास ही है ये लेक, ये आप देखिए आमेर फोर्ट के पास है ये लेक। और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ और बैक साइड में ये देख, ओए सुन, आमेर फोर्ट के जस्ट सामने ये जो मैं बोल रहा हूँ उसकी सेफ्टी के लिए बनाया हुआ है, ये वाला फोर्ट है शायद। और दोस्तों कुछ ही देर में हम यहाँ से और टिकट विकेट करा के अंदर जाएंगे, और अंदर जा करके आप सोच ही सकते हैं ये कितना बड़ा है, इसे दिखाने में बहुत टाइम लगेगा। और इस पूरे ब्लॉग में हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे आमेर फोर्ट, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, इसके बारे में इसके लेकर मैंने काफ़ी ब्लॉग्स देखे थे और इसके नज़ारों को देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जयपुर आए और आमेर फोर्ट ना देखा तो क्या देखा। और यहाँ पर अरे फोटो भाई हर जगह है भाई, आप समझ ही सकते हैं कि जहाँ पे अगर दीपू ने फोटो खिंचाया समझ लो वो नज़ारे ही अपने आप में खास हैं। ये आप देखिए लेक भी है, और मैं तो अंदर जाने को छोड़ो, मैं तो यहाँ से ही इसके सीन देख करके बड़ा एक्साइटेड हूँ। वाह यार कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पर, ये देखिए। ओहो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को लेकर आपके लिए कोई इशू नहीं होने वाला, बहुत सारी गाड़ियाँ आप यहाँ से कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, बुक करके ला सकते हैं, बसेज यहाँ पे आती हैं, ऑटोज भी यहाँ पर आते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं होगा। और मैं आपके लिए बता दूँ आमेर फोर्ट जो है जयपुर से करीब 60 से 8 किलोमीटर दूरी पर है, बाहर है थोड़ा, जहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और ये नज़ारे देखिए बाहर के, तो देखते ही नज़ारे बनते हैं, वाह। और कबूतर देखिए बाहर, रॉयल वाला लोग आ रहा है इन कबूतरों से।
दोस्तों पानी वगैरह पीते हैं और फिर अंदर फोर्ट के चलते हैं, आपको फोर्ट भी एक्सप्लोर करेंगे अभी। प्यास लगी तो पानी लिया, बंदे ने क्या लिया, कोल्ड ड्रिंक। वाओ एंट्री गेट। वाओ फोर्ट के बाहर पार्किंग भी है, पार्क वगैरह भी है ना यहाँ पे। वो और वो पानी वानी हाँ ये तो बाद में बनाई होंगी। वाओ यार वो सब है ना राजा। अरे राजन की तो बात ही अलग ही यार, राजन के शौकी निराले। हाँ इधर से देख, अब ये वाला व्यू देख, ये वाला व्यू कितना बेहतरीन है, ये वाला व्यू है ना, ये भी अच्छा है। हाँ फोटोशूट बैक साइड तो बहुत बढ़िया फोटो होंगे। चलो पहले कोई दिक्कत ना घूमे अभी, फोटो ऐसा ना कहीं से सूरज जाता है कहीं से कम है। देख सरेंद्र, सरेंद्र है कोई चीज है ना, गजब की चीज। जयपुर में नौमान ये मेरे को सबसे बेस्ट नज़ारे लग रहे हैं आसपास के। अरे यार ये फिर भी है कोई चीज़ यार। तो दोस्तों अभी हम होने वाले हैं फोर्ट के अंदर एंटर। अरे सुन यहाँ तक तो कोई टिकट ली ना, बाकी की टिकट कहाँ से लगेगी, घुसते चले जाओ कहीं पे कुछ ना है तो ना है। हाँ यहाँ पे भी काफ़ी कुछ सेल हो रही है। इधर से एंट्री सरकार दस साड़ी अपनी है। वो इधर से दीपू एक बार लड़क गया ना, तो सीधे वो लेक में जाके देखो वो तो। वाह यार ऊपर से और ना जा जाएंगे। चलो वो वहाँ लोग घूम रहे हैं यार, देख वहाँ पे। सर वेलकम, सर वेलकम, सर वेलकम, सर इधर है या इधर है, हाँ इधर से आने की है। थकान तो रोड़ी चढ़ने में, तुमने तो सीढ़ी चढ़ी है भैया, सीढ़ी चढ़ी है तुमने, छह महीना सीढ़ी चढ़ी है तुमने, पूछ रहे हो ठीक कह रहे हो। तो हफ्ता में एक बार तो चढ़ ही जाते। इधर देख नजारों को देखा कर यार। पहाड़ों में ऐसी रास्ता है तो देखो। ये तो है, इधर की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं समझो। आ जाओ
सोचो टॉप पे पहुंचने में, टॉप पे पहुंचने में क्या होंगे। देख इधर से दिख रहा है लकड़ी के सब वही जॉइंट जॉइंट कर दे बस। यार सच में यार बहुत बड़ा है ये, बहुत ही क्षेत्र में फैला हुआ है। ओ भाई स्लिप ना हो कोई, बहुत बुरी तरह। देख ऐसे ही दरवाजे थे, ये रहो फिर एक और ये तोप रखी है अंदर, तोप। हाँ फोटो शेरी मनी, आइए हमारे साथ फोटो खिंचवाइए, जाइए शालू चलते हैं और सिंगल निकालते हैं। पास आओ थोड़े, दीपक ये ओरिजिनल है, ये मॉडल है, ओरिजिनल है। फोटो निकाल, वाह यार ओरिजिनल है, फोटो निकाले, वाह मॉडिफाइड का यार हर चीज सेम टू सेम कैसे रह जाएगी, तो मॉडिफाइड तो करने पड़ेंगे। पसंदी के ढोल तासे हैं वो, सेगवे राइड 200। यहाँ पे कुछ तरीके के एक्टिविटीज अगर आपको करनी है, जैसे कि पीछे वो चला रहे हैं उस पर साइकिल जैसी, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, 200 रुपये में आप कर सकते हैं। लो इसकी हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी यार, हम किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, हम जा किधर रहे हैं, बाहर जाने का है। अच्छा
इधर क्या होगा भाई, देखो क्या है इधर, वही है नज़ारे आ रहे होंगे। वो शॉप भी है, अच्छा अच्छा ये बात, ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए ये है? देखो जहां तक जाने दे रहे हैं वहां तक चलो। संभाल गई, झटका से लग रहा है ना, है ना, एकदम झटका से लग रहे हैं जैसे एकदम नीचे कूद रहे का। ना बहुत बड़ी सीढ़ी है, देख कितनी बेहतरीन लग रही है सीढ़ी। कबूतर उड़ गए, मलंग सीढ़ी। तो दोस्तों अभी हम जो है फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और ऊपर हम ज़्यादा गए नहीं हैं क्योंकि ऊपर ऐसा कुछ खास है नहीं। इधर के खिंचवाइए, इधर के बैक के, और ये लोग खिंचा रहे हैं अपने फ़ोटोज़ वगैरह। मेरी फ़ोटो खिंचाने की, मैं भी कुछ खिंचाऊँगा, कुछ देख कर रील्स वगैरह बनाऊँ, काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है। इधर बैक साइड में देखिए, वाओ। और इस फोर्ट को दोस्तों, अगर मैं आपके लिए सीरियसली बता रहा हूँ, ये फोर्ट इतना बड़ा है कि अगर आपको इसे पूरी तरीके से देखना है तो आपके पास कम से कम चार घंटे कम से कम होने चाहिए, 4 से 5 घंटे अगर आपको अच्छे से एक एक चीज़ की देखनी है, समझनी है, तो 4 से 5 घंटे आपके पास कम से कम चाहिए चारों तरफ से देख के, घूम फिर के देखने के लिए। अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे तो अच्छे से आप इसे नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो है पूरा तो नहीं, लगभग आधा हम आपके लिए दिखा चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम काफ़ी देर से आमेर फोर्ट देख रहे थे और देखते देखते हमें हो गई काफ़ी थकान, और कल रात भी हम अच्छे से सो नहीं पाए थे, ट्रैवल किया था ना हमने पूरी रात, तो इसलिए ढंग से नहीं सो पाए, इसलिए हमें भी थकान से हो रही थी, तो हम थोड़ा पेड़ की छाँव में बैठ गए हैं। और दोस्तों आपके लिए भी एक और चीज़ बता देता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कई व्लॉग हमारे 2-3 व्लॉग से हम एक ही जैसे कपड़ों में क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं इस चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं कि एक ही कपड़े पहन के घूम रहे हैं, दोस्तों ये सारे व्लॉग जो 2-3 व्लॉग हैं एक ही दिन में शूट हुए हैं, बस पड़े आपके अपलोड जो है अलग अलग दिन हुए हैं, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सारे व्लॉग जो है हमने एक ही कपड़ों में शूट किए हैं। और देखिए दोस्तों चारों तरफ ये क्या खूबसूरती है, वाह। इधर देखिए लोग घूम रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी आते हैं लोग यहाँ पर, कभी दीपक चाहोगे अपने परिवार के साथ यहाँ आए और दिखाओ अपने परिवार के लिए, काश ऐसा क्यों कहते हो, काश क्यों, जरूर कहा करो, ऐसे जरूर काश में, तो ये लगता है कि अपने आप पे विश्वास ही नहीं है कि हम ला पाएंगे, विश्वास तो है लेकिन टूट जाता है, टूट जाता है। तो इधर देखिए कई सारी एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती हैं, जैसे आपको सामने वो दिखाई दे रहा हो, क्या बोलते हैं, सेग्वे राइड्स। पर पर्सन राइड की फीस है 200 रुपये, वहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन कर रखा है। हाँ तो यहाँ पे 2 राउंड्स हैं, 200 रुपये 2 राउंड्स, इधर से आपको राउंड ले करके इधर से और घूम करके इधर को घूम करके आपको वहाँ पे ले जाके 2 राउंड करके छोड़ देने, आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। और वहाँ पे दोस्तों हम गए नहीं थे, वहाँ पे ऐसा कुछ खास था नहीं, और वैसे भी हम थक बहुत ज़्यादा चुके थे, तो थोड़ा बहुत नीचे घूम के हम यहीं पे फिलहाल बैठे हैं। जो दिख रहा है जूम करके दिखा दे, अनारकली का वो है डांस करने का तबला ढोल जो रखा हुआ, अच्छा है। वो अनारकली का वो सामने जो है इधर दिख ही नहीं रहा होगा सनलाइट की वजह से यार, तो कुछ कुछ शायद दिख रहा हो, ये वाला
ये दीपक के सूत्रों के हवाले से है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। तो दोस्तों वैसे देखने में तो ये काफ़ी बड़ा है, इतना तो मैं तो 4-5 घंटे आपको कम से कम चाहिए अगर आपको ये पूरा देखना हो तो। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करते हैं और इधर से एग्जिट है, एग्जिट की तरफ जाएंगे और चारों तरफ होके इधर से होके निकलेंगे और जो भी होगा हम आपके लिए दिखा देंगे। तो दोस्तों हमें काफ़ी समय हो गया यहाँ पे घूमते घूमते और अभी हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, एग्जिट गेट की तरफ। इधर है एग्जिट और ये लास्ट टाइम देख लीजिए ये नज़ारे, ये एक्टिविटीज़ 200 रुपये पर पर्सन। सांकर को क्या देखा, वो तो बार बार ऐसे ये तो है ही है, जितने बड़ी चीज़ है उतनी बड़ी के चलो संभाल के दे फिसलने। इधर इधर ही है यार, चल इधर ही चल, गलत दूसरी चीज देख लेंगे और कहा है। वाओ, बाकी रोड साइड की जो उधर रोड साइड जो दुकानें होटल वगैरह है ना वही पिंक है, बाकी देख नॉर्मल जो घर है वो किधर पिंक है, किधर दिखाई दे रहा है पिंक। ये पिंक सिटी ना, पिंक सिटी तो हम छोड़े हैं पीछे पीछे चल रहा है, पिंक सिटी ये तो जयपुर से बाहर है, ये जयपुर से बाहर है ये। हाँ वो तो है, ये फिसलन बहुत है भैया, ये पत्थर पे ये चिकने आ गए, घिसवाने पड़ेंगे खुदवाने पड़ेंगे। दे इधर से देख फोर्ट, देख भाई क्या बात है। हट वो, चलो इधर ही चल फिर, इधर से आते हुए देखे ना मैंने, यहाँ साइड दे, साढ़े किला के आसपास फंस गए हम। ओ भाई देख कैसे पत्थर हैं, देख नजदीक से देख लो, फीला लगाते सब लोग। हाँ ये भाई कुछ पूरे गिर मत पड़ी हो, बहुत चिकने पत्थर है यार, यूं ही फिसल जाओ कोई आदमी। अच्छा ये है गाँव है, हम मरते हैं भाई साहब। कोई दिक्कत ना, ज्यादा दूर पहुंच गए ना लौट आएंगे, नौकर चाहे फिर जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और घूमना पड़े लौटेंगे ना। देख इधर से देख क्या दिखाई दे रहा है, दीपू कहाँ फंस गए हम, एग्जिट निकलने के चक्कर में कहाँ फंस गए भाई। किले से बाहर निकलने के चक्कर में कहाँ फंस गए, अभी तक एग्जिट के चक्कर में गली से भी घूम रहे। सालू आए मजे, देख इधर होकर सीढ़ी है, जाओ मंदिर के दर्शन करने अब। लेकिन यार आगे देख तो सही कर, जब कैसे बना होंगे इन चीज की, तब पहले कैसे बनाए, अपना बनेंगे ये चीज। सीमेंट चूना
माना तो यही ज्यादा, चूना ज्यादा मजबूत है। सीमेंट तो ये आजकल की चीज है, चूना बहुत पहले से बना जा रहा है, ये किलन में इस्तेमाल होता है चूना। हाँ मंदिर में चलो देखते हैं, आ जाओ। और ये वाह चलो सही है, बैक साइड आने से कम ये मंदिर तो। अच्छा ये है श्री जगत शिरोमणि जी मंदिर आमेर, ठीक है, ये मंदिर का इतिहास है पूरा, श्री जगत शिरोमणि जी मंदिर। तो दोस्तों हम फिलहाल हैं श्री जगत शिरोमणि जी मंदिर, हम आमेर फोर्ट के एग्जिट बैक साइड से होकर निकल रहे थे, तो रास्ते में हमें ये मिला तो सोचा चलो यहाँ भी घूम के आते हैं। काफ़ी सुंदर और प्राचीन मंदिर है ये, यहाँ भी फॉरेनर्स आ ही जाते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, पुराना है लेकिन काफ़ी प्राचीन है, तो खूबसूरत भी काफ़ी है। इधर आ देख पास से देख, और दोस्तों ये देखिए मैं मंदिर के बैक साइड में आ चुका हूँ, ये मेरे पीछे देखिए पत्थरों पे क्या कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। ये देखिए दोस्तों ऊपर तक इतनी बारीक कलाकृतियाँ, आज के समय में तो एकदम असंभव सा लगता है। ये देखिए चारों तरफ वाओ, ओ माय गॉड, कुछ हिस्सा इसका खंडित भी हो चुका है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, कम से कम 1500 से 1600 के बीच में हुआ था, तो कम इसका निर्माण तो ये करीब 400-500 साल पुराना मंदिर है। काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है ये, तो दोस्तों बाहर वो लोग वेट कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। और ये दोस्तों रोड की तरफ जाते हुए यहाँ पर ये राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री यानी ये कह रहे थे, यहाँ पे पास में ही थे, ये कह रहे थे कि मार्केट है, राजस्थानी कपड़े जूते ये सेल होते होंगे, ऊपर हुए सोलर प्लेट लगी हुई है। वाह काफ़ी बढ़िया है, तो ये पूरी मार्केट है, यहाँ से शॉपिंग वगैरह करनी हो तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पीछे था ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे जितने भी आइटम बिकते हैं वो हैंडमेड होते हैं, साड़ियाँ दुपट्टे जितने भी कपड़े होते हैं सब हैंडमेड, जितने भी आप कह सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे सब हैंडमेड है। और यहाँ पे शैलेंद्र ने अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी खरीदी है, और वो भी हैंडमेड साड़ी और काफ़ी बेहतरीन साड़ी। यहाँ पे जितने भी आइटम है एकदम ब्रांडेड और लग्जरी आइटम है, और आप यहाँ से खरीदेंगे, ये फोर्ट के बैक साइड में पड़ता है, आप बैक साइड से होके आएंगे तो ये यहीं पे पड़ेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर चीज़ एकदम लग्जरी और ब्रांडेड, आप लेके पछताओगे नहीं। अंकल जी आपकी टोपी लगाई हुई है, लड़की लो खराब वाली है, हमारे नहीं है, नहीं यहाँ पर पड़ी थी, वो ये तेरे से पड़ गई, हाँ पड़ी थी, दे दो। लॉन्ग का प्राइस क्या होगा? 4 रुपये। तो गाइस आमेर का किला हमने आपके लिए ऑलमोस्ट दिखा दिया, और हम बैक साइड होके इसके एग्जिट होके गाँव गाँव की तरफ इधर होके इसके बाहर आ गए। तो दोस्तों हम अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं, और यहाँ पर आपके लिए जो भी दिखाने लायक था जो हमने दिखा दिया, मुख्य मुख्य जो जगह थी वैसे देखने को तो यहाँ पर बहुत कुछ है। और दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, अगर आपके लिए ब्लॉग पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर एंड Bye.